एप्पल के को-फाउंडर ने कहा था, इंडियंस लैक क्रिएटिविटी, यानी कि इंडियंस क्रिएटिविटी में कम पड़ जाते हैं। पता है क्यों? हाँ, यही, इस क्यों को हम नहीं पूछते, हमें फर्क ही नहीं पड़ता, लेकिन ये क्यों बहुत जरूरी है। अब आप मुझे बताइए, आपकी उम्र क्या रही होगी जब आपको बताया गया था कि बिग ओशन ऑफ नॉलेज को बुक कहते हैं। एनीवेज, आज के वर्ल्ड ऑफ फैक्ट्स के इस वीडियो में आपका तहे दिल से स्वागत है। तो चलिए आज के फैक्ट्स फटाफट शुरू करते हैं। प्यास काटते वक्त आंखों से आंसू आना आम बात है, लेकिन क्या आप जानते हैं, अगर प्यास काटते वक्त च्यूइंग गम चबाई जाए तो आंखों से आंसू नहीं निकलते। ऐसा उस गंध के डिफ्यूज हो जाने की वजह से होता है, जिसकी वजह से आंसू निकल आते हैं। च्यूइंग गम खाते वक्त हम अपने मुंह से सांस लेते हैं और केमिकल्स हमारी नाक में नहीं जा पाते, इसीलिए टीयर ग्लैंड प्रभावित नहीं होते। जर्मनी की यूनिवर्सिटी ऑफ फ्रीबर्ग एंड इंपीरियल कॉलेज की हालिया रिसर्च में खुलासा हुआ है कि जिन लोगों के हाथों और पैरों में 6 उंगलियां होती हैं, वो 5 उंगलियों वालों की अपेक्षा काम को ज्यादा बेहतर तरीके से अंजाम देते हैं। उनका दिमाग 5 उंगलियों वालों से ज्यादा तेज गति से काम करता है, साथ ही हर काम में वो बेहतर संतुलन बनाए रखते हैं। आप किसी ऐसे इंसान को जानते हैं? बादलों को देखकर ऐसा लगता है मानो रुई के हल्के हल्के गोले हवा में तैर रहे हों। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि रिसर्चर्स ने इन बादलों की वाटर डेंसिटी और वॉल्यूम के आधार पर अनुमान लगाया है कि इनका वजन 4.5 लाख किलो तक हो सकता है, लेकिन फिर भी ये हवा में इसीलिए फ्लोट कर पाते हैं क्योंकि उनके नीचे की हवा और भी भारी होती है। अक्सर लोग हवाई जहाज में मिलने वाले खाने की बुराई करते हैं, लेकिन एक जर्मन स्टडी के मुताबिक दोष खाने का नहीं बल्कि हमारी टेस्ट बर्ड्स का होता है। जब हम 35,000 फीट की ऊंचाई पर ट्रैवल कर रहे होते हैं, तब ड्राइनेस और लो प्रेशर की वजह से हमारे टेस्ट बर्ड्स की सेंसिटिविटी 30% से घट जाती है, साथ ही स्मेल करने की क्षमता भी घट जाती है और हमें खाना बेहद बेस्वाद लगने लगता है। आमतौर पर इंटरनेट स्मूथली चलता है, लेकिन एक दिन ऐसा भी आया था जब इंटरनेट के 3 बड़े जायंट गूगल, ट्विटर और विकिपीडिया एक ही दिन में क्रैश हो गए थे। कौन सा दिन था वो? 25 जून 2009। कुछ याद आया? उस दिन माइकल जैक्सन की डेथ हो गई थी और पूरी दुनिया उनके बारे में जानने के लिए बेताब थी। यही वो वजह है जिस वजह से ये 3 बड़े जायंट क्रैश हो गए थे। ऐसे ही नहीं, उस इंसान को किंग ऑफ पॉप कहते हैं। रेस्ट इन पीस मिस्टर जैक्सन। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स लेके। तब तक के लिए ये वीडियो पसंद आया हो तो जरूर लाइक और शेयर कीजिए और प्लीज चैनल के सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय। Please subscribe to my Dada Studies, like and share also. Thank you.